यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विश्वास, वेलकम टू ऑक्सफोर्ड क्लासेस। हम लोग डिस्कस करने वाले आज हम लोग सबऑर्डिनेट क्लास यानी कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के बारे में, उनकी काइंड्स के बारे में। ठीक है दोस्तों, देखिए ये कंजंक्शन का सेशन चल रहा है दोस्तों, और ये कंजंक्शन का तीसरा पार्ट है। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि जो भी स्टूडेंट पहले दूसरे पार्ट से न जुड़े हों और न देखे हों, तो प्लीज़ पहला दूसरा पार्ट जरूर देखें, क्योंकि किसी भी टॉपिक का निचोड़ पहले पार्ट में और दूसरे पार्ट में ही मिलता है, तब जा करके तीसरा पार्ट ये स्टार्ट होता है। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ जाइए, उसको देखिए, उसके बाद थर्ड पार्ट तक आइए। देखिए कंजंक्शन में जो चीज़ें आपको शुरू से मिलेंगी, तब तो आपका अपना लेवल और स्टैंडर्ड मेंटेन हो सकेगा। ठीक है दोस्तों, नहीं बदला ये टॉपिक कहाँ से आया, कैसे आया, समझ में ही नहीं आया। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है, हम लोगों ने इसके पहले कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन देखा, तो वहाँ पर मैंने डिस्कस किया था कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है और कौन कौन से होते हैं। तो उसमें मैंने चार तरीके की बातें बताई, क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, अल्टरनेटिव कंजंक्शन, इलेटिव कंजंक्शन एंड एडवर्जेटिव कंजंक्शन। दैट इज योर फोर टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और वी एड इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस वन कंजंक्शन टू सेम सेंटेंसेज इन सेम कंडीशन, है कि नहीं। यानी कि सेम दो प्रकार के समान वाक्यों को हम एक जैसे यानी कि एक कंजंक्शन से जोड़ते हैं, यदि समान पद के होंगे तो उनको कोऑर्डिनेट से जोड़ेंगे, यदि एक आपका प्रिंसिपल होगा और एक आपका सबऑर्डिनेट होगा तो उसको हम किससे जोड़ेंगे, सबऑर्डिनेटिक कंजंक्शन से जोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने पिछली कहानी वहाँ बताई थी। तो आइए आज हम लोग डिस्कस करने वाले काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेटिक कंजंक्शन। ठीक है, अब सबऑर्डिनेटिक कंजंक्शन है क्या, सबऑर्डिनेटिक कंजंक्शन, अब इसमें बात को समझिए। पहली बात तो सबऑर्डिनेटिक कंजंक्शन में आता है कंजंक्शन ऑफ टाइम। अब सबऑर्डिनेट की बात कर दें तो इसका मतलब होता है कि जो ऐसा क्लॉज जो अपने प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड हो। देखिए दोस्तों, क्लॉज की बात जान लें तो एक आपका होता है प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, एक होता है आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज, और एक होता है आपका कोऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज। अब जब हमको दो सेंटेंसों को जोड़ करके एक सेंटेंस बनाना है, यानी कि एक सेंटेंस बनाना है, तो हम जानते हैं कि जब दो समान पदों को जोड़ते हैं, यानी कि यहां मैं हिंदी में लिखता हूं सेम सेंटेंस, यानी कि जिसको कह लें समान पद, है ना, जो समान पद के हों, जैसे दो आपके सेंटेंस लिखे गए हों, उनमें जो है कोई एक दूसरे पर क्या हो, डिपेंड ना हो, ये भी समान समान पद। ठीक है, तो एक दूसरे पर कोई डिपेंड ना हो, है ना, कोऑर्डिनेट समान हो, है ना, किसी पर आश्रित ना हो, तो इनको हम जो कंजंक्शन यहाँ यूज करेंगे उसको इन दोनों समान पदों को जोड़ने के लिए कोऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज करेंगे, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आ रही। अब यदि जब हम कह दें यहाँ पर, मान लीजिए ये एक आपका, और देखिए ध्यान दीजिए, ये दोनों समान पद अपने आप में प्रिंसिपल ही होंगे, क्या होंगे, प्रिंसिपल ही होंगे, यानी कि इनको प्रिंसिपल क्लॉज भी कह सकते हैं दोनों को। भाई जब दोनों अपने आप में मुख्य होंगे, प्रधान होंगे, तो भाई अपने आप में जब दोनों प्रधान होंगे तो दोनों क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है, और दोनों समान पद के हैं, इसलिए इनको कोऑर्डिनेट कंजंक्शन यानी समान पदीय संयोजक से हमने जोड़ दिया, कोई दिक्कत। लेकिन जब हमने मान लिया कि एक कोई सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज, है कि नहीं, तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है किसी के अधीन होगा, और जिसके अधीन होगा वो आपका प्रिंसिपल क्लॉज होगा, कौन होगा, प्रिंसिपल क्लॉज होगा ये, ठीक है, प्रिंसिपल क्लॉज होगा। अब इन दोनों सेंटेंसों को जोड़ने के लिए, क्लॉजों को जोड़ने के लिए जो हमको कंजंक्शन की जरूरत पड़ेगी, वो कंजंक्शन कौन होगा, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होगा। ये कंजंक्शन कौन सा होगा, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होगा। क्या बात है, समझ में आ रही, यहाँ पर यूज होने वाला कंजंक्शन सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होगा। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ समान पद की क्या बात करें, जैसे मैं कह दूं राम इज अ बॉय, राम इज अ बॉय एंड ही गोज टू स्कूल,
गोज टू, राम एक लड़का है और वह स्कूल जाता है। तो जरा बताइए क्या ये सेंटेंस, ये वचन कोई एक दूसरे पर डिपेंड है? नहीं है दोस्तों, ये भी अपने आप में स्वतंत्र है और ये भी अपने आप स्वतंत्र है ना, दोनों एक दूसरे क्या है, स्वतंत्र है कि नहीं भाई। लेकिन जब हम कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, यानी कि सबऑर्डिनेट की बात करते हैं, जैसे मैंने कहा द, मैंने कहा भाई व्हेन ही केम, when he came he Ram had gone, when he came Ram had gone, जब वह आया राम जा चुका था, जब वह आया राम जा चुका था, है ना। तो बात को समझिए दोस्तों, when he came वह आया, when he came वह आया है कि नहीं, वह आया। अब वह आया मतलब क्या है? इसका कंप्लीट है तो अर्थ है दोस्तों, लेकिन इसका राम हैड गॉन, राम जा चुका था, ये तो कंप्लीट है, लेकिन वह आया, वह आया ही केम, वह आया, क्या इसके आगे कुछ सेंस पूरा हो रहा है भाई? वह आया किस लिए आया, कोई समझ में है ना। तो यहाँ पर जब व्हेन लगा है, व्हेन ही केम राम हैड गॉन, जब वह आया राम जा चुका था, तो ये कौन सा, देखिए ये कौन सा कंजंक्शन है, इसको कंजंक्शन कहते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। बातें कुछ समझ में आ रही? क्या कहते हैं सबऑर्डिनेट। आप कह दीजिए सर ये तो दोनों क्लास को जोड़ा नहीं रहा, यहाँ पहले आ गया, तो ध्यान दीजिए दोस्तों कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर मैंने कॉमा यूज किया है, चाहिए सेंटेंस तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, राम हैड गॉन व्हेन ही केम। अब ये बातें समझ में आ गई, राम हैड गॉन व्हेन ही केम, राम जा चुका था जब वह आया। अब बात समझ में आ गई, तो यहाँ पर मैंने देखिए कॉमा हटा दिया, तो दैट कंजंक्शन, वी से दैट इज कंजंक्शन, दैट इज योर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, कैसा कंजंक्शन हुआ, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हुआ, कोई दिक्कत। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस और देता हूँ यहाँ पर, देखिए द ट्रेन ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर ही केम, बिफोर ही केम, यानी कि अब क्या, द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी, बिफोर ही केम उसके आने से पहले, यानी उसके आने से पहले क्या हुआ, ही केम उसके आने से पहले क्या हुआ, घटना घटी, यानी कि ट्रेन जा चुकी थी। अब ट्रेन जा चुकी थी तो बिफोर क्या है यहाँ पर, ये क्या है भाई, अब क्या है, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कैसा कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोई बात समझ में आ रही, क्योंकि ये आपको इसमें प्रिंसिपल क्लास कौन है भाई, द ट्रेन हैड लेफ्ट, ये प्रिंसिपल क्लास है, ये कौन सा क्लास हुआ, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लास हुआ, ये कौन सा क्लास हुआ, प्रिंसिपल क्लास हुआ, बात समझ में आ रही है। ठीक है दोस्तों, अगर इतनी बातें समझ में आ रही है दोस्तों, तो बिल्कुल आप देखिए, अगर एक बार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से, ना समझ में आए तो वीडियो को एक दो नहीं तीन बार देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा चीज़ें, आपको एक एक लैंग्वेज और एक एक पॉइंट जब मैं बोल रहा हूँ इनको एकदम बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ठीक है, तभी आपको चीज़ें समझ में आने वाली हैं, एक एक बात को ध्यान सुनिएगा और कई बार देखिएगा वीडियो, बिल्कुल समझ में आएगा दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। क्योंकि देखिए चीज़ें क्या होता है, जब जो चीज़ें आप कभी नहीं पढ़े होते हैं, अगर वो चीज़ें अगर आपके दिमाग में जाती हैं तो आपको लगता है अरे पता नहीं क्या चल रहा है, क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन चीज़ों को जब आप दो तीन बार देखेंगे, दो तीन चार बार सीखेंगे, तो आपको लगेगा हाँ ये चीज़ें होती हैं, है ना। तो बिल्कुल आप उसको देखिए, कम से कम तीन चार बार देखिए। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं कि इन्हीं जो कोऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट जो कंजंक्शन है, इनकी कैसे, इनमें वैराइटीज़ हैं, इनके काइंड्स कैसे हैं। जैसे कि भाई अब व्हेन है, व्हेन क्या है, सबऑर्डिनेटिंग टाइम, यानी कि द कंजंक्शन ऑफ टाइम, जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कहलाता है, सबऑर्डिनेट टाइम कहलाता है। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ रही ना ये, चलो आइए डिस्कस करते हैं। ठीक है भाई, तो ये बातें बिल्कुल 100% बिल्कुल गलत नहीं होगा भाई, कंजंक्शन का पार्ट अगर आप शुरू से देखेंगे तो निश्चित रूप से कहता हूँ, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, इसमें का क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। ठीक है, बसरते हैं आपको ध्यानपूर्वक लेक्चर सुनना है, ध्यानपूर्वक चीज़ों को सीखना है,
है कि नहीं, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, चीजों को एक जगह बैठ करके एक जगह सीखिए, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। यानी पता चला दिमाग अरे क्या चल रहा है, चीज ठहरना सीखिए, जो जितनी देर तक जहाँ रुका है ठहरा है उतनी ही बातें उसको समझ में आई है। ठीक है, चल देखिए, आप जैसे कहते हैं दोस्तों, अब इसमें एक एक करके सीखेंगे भाई। ठीक है, जैसे हम इसमें कहते हैं, पहला पहला पॉइंट ये है कंजंक्शन ऑफ टाइम, कंजंक्शन ऑफ टाइम। अब ऐसे कंजंक्शन जो आपको टाइम शो करते हैं, जिसमें का आपको क्या आ सकता है, देखिए आफ्टर नोट करते चलिएगा भाई, सारे पॉइंट नोट करते रहिएगा। पहले वर्ड पहचानिए, फिर चीजों को सेंटेंस में बिल्कुल पिरोइए। पहले सेंटेंस में वर्ड पहचानिए, आफ्टर, बिफोर, एट, टिल, अंटिल, एज सून एज, मैं लिखता हूं एज सून एज, नो सूनर, टिल अंटिल तो दिखा दिए भाई, देन, व्हेन। ठीक है सर, नोट कर लीजिए भाई। व्हेन आ गया, व्हेन से व्हेन हीवर बनता है, सिंस बनता है, फॉर बनता है कि नहीं, फॉर। नोट कर लीजिए, नोट करिए भाई इनको। तो ये कंजंक्शन ऐसे हैं जो आपको टाइम बताने का काम करते हैं। क्या, आफ्टर, बिफोर, एट, टिल, अंटिल, एज सून एज, नो सूनर, देन, व्हेन, व्हेनेवर, सिंस और फॉर। ये कंजंक्शन क्या है, हमेशा टाइम को डिसाइड करते हैं, टाइम को डिनोट करते हैं, दैट इज टाइम डिनोटिंग कंजंक्शन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है चले भाई आगे। अब जैसे एग्जांपल से आपको समझाते हैं भाई। ठीक, देखिए ध्यान रखिएगा, जैसे मैं कह दूं व्हेन सी केम टू माई हाउस आई वॉज स्लीपिंग, आई वॉज स्लीपिंग। अब जरा ध्यान से देखिए भाई, व्हेन सी केम टू माई हाउस, जब वो मेरे घर आया मैं सो रही, जब वो मेरे घर आई मैं सो रहा था। तो देखिए दोस्तों ये क्या है, जब मैं मेरे घर आया, तो क्या है भाई, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और सबऑर्डिनेट कौन सा, टाइम वाले कंजंक्शन है कि जब वह घर आया, है ना, टाइम बता रहा है कि जब वह घर आया तो वह सो रही, यानी वह जब आई तो मैं सो रहा था। तो ये क्या है, अब जरा ध्यान समझिए, कह दीजिए सर यहाँ पर ये क्लास है, ये क्लास ये, तो ये दोनों कंजंक्शन पहले आ भी सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लास है और ये आपका प्रिंसिपल क्लास। आप तो इनको उल्टा भी कर सकते हैं, उल्टा मतलब कि इनको पहले भी कर सकते हैं, इनको पहले भी कर सकते हैं, ठीक है ना। पहले करेंगे तो पहले प्रिंसिपल क्लास लिख लीजिए, आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था, व्हेन सी केम टू माई हाउस। ठीक है, आई वॉज स्लीपिंग व्हेन सी केम टू माई हाउस, वह सो रही, मैं सो रहा था जब वह मेरे घर आई। कोई दिक्कत, कोई परेशानी भाई? देखिए जरा, ठीक है, चीजें समझ में आनी चाहिए भाई आपको, चाहे जैसे भी गतिविधि हो चीजें समझ में आनी चाहिए। ठीक, देख आइए चलते हैं दूसरा सेंटेंस, आई विल कॉल यू एज सुन एज, आई विल कॉल यू एज सुन एज आई लीव, लीव वर्क, लीव वर्क। ठीक, अब यहां क्या समस्या, अभी आई विल कॉल यू, मैं आपको फोन करूंगा एज सुन एज, ज्यों ही, एज सुन एज का मतलब क्या हुआ, ज्यों ही आई लीव वर्क, मैं काम छोड़ूंगा, मैं काम छोड़ूंगा मैं आपको क्या करूंगा, कॉल करूंगा। तो ये क्या है भाई आपका, ये कौन सा क्लास हुआ, सबऑर्डिनेटिंग क्लास, क्योंकि कैसा कंजंक्शन हुआ, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हुआ, जिसको हम सबऑर्डिनेट क्लास कहते हैं,
सबॉर्डिनेटिंग या सबॉर्डिनेट क्लास, नेट क्लास, ठीक है। और ये क्या है आपका प्रिंसिपल क्लास, प्रिंसिपल क्लास। क्या यहाँ तक किसी कोई परेशानी कोई दिक्कत है भाई, चीज़ों को समझिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ अगर एक बार में समझ में आए तो वीडियो को दो तीन बार देख लीजिएगा, गारंटी के साथ कहता हूँ, यहाँ मिस्टेक नहीं होने वाला आप लोगों। बोलिए चले, आइए एक सेंटेंस और देते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने कह दिया वेट हियर टिल आई कम है कि नहीं, वेट हियर, प्रतीक्षा करो, यहां यहां प्रतीक्षा करो तब तक जब तक मैं नहीं आता, टिल आई कम, जब तक मैं नहीं आता तब तक क्या करो, वेट करो, प्रतीक्षा करो, है ना। तो टिल क्या है आपका, ये सेंटेंस कैसा, वेट हियर आई कम, है ना। तो आपका सबॉर्डिनेट क्लास ये क्या है, प्रिंसिपल क्लास, वेट हियर, प्रतीक्षा यहाँ करो जब तक मैं नहीं आता, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, ये दो क्लाजों को जोड़ रहा है, जब क्लाजों को जोड़ने का काम करता है तो हमेशा क्या होता है भाई, भाई सबॉर्डिनेट क्लास को सबॉर्डिनेट कंजंक्शन से, और कोऑर्डिनेट क्लास भाई आई कम टिल, जब तक मैं आऊंगा क्या करना है आपको, वेट हियर, प्रतीक्षा करना, ठीक है। चलिए देख, ही रैन अवे एज सून एज ही रैन अवे एज सून, या मैं कह दूं The thief ran away as soon as he saw the police. He ran away he saw the police. The thief ran away. चोर भाग गए ज्यों ही उसने पुलिस को देखा, तो क्या भाई, तो जो पुलिस को देखे क्या करे, भाग गए। तो ये आपको क्या है भाई, सबॉर्डिनेटिव कंजंक्शन से मैंने इनको जोड़ दिया, सबॉर्डिनेटिव कंजंक्शन से जोड़ दिया। तो ये सारे एग्जांपल हैं, इनको आप लोग देख लीजिएगा, कई सारे आपको प्रैक्टिस मिलेंगे। ये तो छोटा सा एक नमूना था दोस्तों, कई सारे सेंटेंसों को लेकर के मैंने दिखाया, लेकिन इनको आप लोग स्वयं अपने से सेंटेंस बना करके और उस सेंटेंसों में इनको पिरो करके यानी कि एडजस्ट करके बनाइए, देखिए आपको किस तरीके से कैसे नहीं पता चलता कि ये जो है टाइम ऑफ क्लॉज होगा या फिर जो है आपका कोई और होगा। अभी हम और बताएंगे, जैसे कि ये टाइम हो गया, इसी तरीके से आपका पर्पज आता है, रीजन आता है, कई सारे होंगे जो कि सबॉर्डिनेट क्लॉज को जोड़ने का काम करते हैं। ये बात समझ, आइए चलते हैं, यहां तक लिख लीजिएगा, इसको लिखने हो तो भाई आगे चले, ठीक। देख अब यहीं पर हम बताएं आपसे, कंजंक्शन ऑफ प्लेस, कंजंक्शन ऑफ प्लेस। अब ये स्थान बताने वाले, अब स्थान बताने वाले क्या होगा भाई, जैसे होता है नहीं, वेयर इवर वेयर इवर, ये क्या है स्थान बताते हैं कि नहीं भाई, बोलिए जरा, ये स्थान बताने का काम करते हैं, ठीक है। आई फाइंड आउट हर होम वेयर सी लिव्ड, घर से लिव, आई फाइंड आउट हर होम, मैंने उसका घर पा लिया जहां वह रहती थी, ठीक है दोस्तों। तो वेयर सी लिव्ड, तो ये क्या है, अब ये क्या, आई फाइंड आउट,
बात समझ में आ रही है दोस्तों? ठीक, जैसे आगे दे दें, यू कैन फाइंड हिम वेयर वेयर यूर यू कैन फाइंड हिम वेयर यूर ही वर्क्स ही वर्क्स आप उसको पा सकते हैं. यू कैन फाइंड हिम जहां कहीं भी वह कार्य करता है, जहां कहीं भी वह कार्य करता है आप उसको पा सकते हैं. ठीक है ना, बातें समझ में आ रही है? अरे यस नो टाइप करो भाई, बातें समझ में आ रही चीजें? तो ये क्या है भाई, ये तो आपका क्या है, टाइम प्लेस शो कर रहा है कि नहीं भाई? वेयर कहां, वेयर एवर जब कभी, या जहां कहीं, वेयर एवर जहां कहीं भी, है ना. वेन एवर क्या होता है, जब कभी भी, वेयर एवर जहां कहीं भी, है ना, जहां कहीं भी वो काम करता है आप उसको क्या कर सकते हैं, पा सकते हैं. बातें समझ में आ रही? तो जहां ये स्थान शो करता है. ठीक, तो आपने देखा पहला कंजंक्शन ऑफ टाइम, कंजंक्शन ऑफ प्लेस. कंजंक्शन ऑफ टाइम में क्या आता है, आफ्टर, बिफोर, एट, टिल, अनटिल, एज सून एज, नो सूनर, देन, व्हेन, व्हेनेवर, सिंस और फॉर. आपने कंजंक्शन ऑफ प्लेस में देखा वेयर और वेयर यूअर, इनका सेंटेंस में यूज देख लीजिए भाई. चले ठीक, आइए चलते हैं, अब आगे चलते हैं. कंजंक्शन ऑफ कॉज या रीजन, कंजंक्शन ऑफ कॉज या रीजन उसकी डिस्कस करते हैं. एक एक बस पॉइंट आपको समझना है दोस्तों, सेंटेंस में किस तरीके से सबॉर्डिनेटिव कंजंक्शन प्रयोग किए जाते हैं, सेंटेंस में कैसे इनका प्रयोग किया गया है, बस यही आपको देखना है दोस्तों. और किसी प्रकार की कोई समस्या होगी तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं. देखिए, हमने कहा ये अभी हम तो छोटा छोटा सेंटेंस लेकर के चीज़ों को समझ रहे हैं कि वर्ड जो आपके टाइम वाले कंजंक्शन है, प्लेस वाले कंजंक्शन है, आगे जो रीजन और काज बताने वाले कंजंक्शन है, इनका कैसे किस तरीके से सेंटेंस में प्रयोग हो रहा है, इनका यूज हम देख रहे हैं, वर्ड से परिचित हो रहे हैं. क्योंकि जब सेंटेंसों में आते हैं तो कहाँ रीजन बता रहे, कहाँ प्लेस बता रहे, कहाँ टाइम बता रहे हैं, इन चीज़ों को वहाँ पर पकड़ना होगा. तो वो उस समय आपको समझना होगा कि ये कंजंक्शन ऑफ टाइम है, कंजंक्शन ऑफ प्लेस है, कंजंक्शन ऑफ रीजन है, कंजंक्शन ऑफ पर्पज है. उस समय आपको ध्यान रखना होगा, अभी तो सिर्फ आपको वर्ड से परिचित होना है दोस्तों. बात समझ में आ रही ना? तो देखिए बिल्कुल, यदि सेशन अच्छा लग रहा हो तो बिल्कुल आप लोग हमारी मेहनत एकदम कायम रखिए, क्योंकि आप ही लोगों से एक उम्मीद है. सेशन को जल्दी शेयर कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल और बेल आइकन को प्रेस करें. ठीक, चल आइए. कंजंक्शन ऑफ रीजन और कॉज, कंजंक्शन ऑफ कॉज रीजन. अब ये कारण बताने वाले कंजंक्शन, अब कारण बताने वाले कंजंक्शन कौन कौन से हो गए भाई? ठीक, जैसे हम कहते हैं बिकॉज, सिंस, एज. ठीक है, ध्यान रखिएगा कौन कौन हो गए भाई, बिकॉज, सिंस, एज, ये आपको क्या बताते हैं, कारण बताते हैं भाई. क्या बताते हैं, कारण. इसी में आपका आता है नाउ, दैट, इसी में दैट, ये सभी क्या करते हैं, कारण बताते हैं, रीजन बताते हैं. ठीक है, बिकॉज, सिंस, एज, नाउ, दैट. ठीक है, चलिए. आई विल Not come today because I will not come today because he is ill. ठीक,
आई विल नॉट कम टूडे, मैं आज नहीं आऊंगा क्योंकि वह बीमार है, वह बीमार है। अब ये क्या है भाई, मैं आज नहीं आऊंगा। अब ये कारण क्यों नहीं आएगा भाई, क्यों नहीं आएगा, कारण बता रहा है। कारण बताया क्या, ही इज इल, वह बीमार है। तो दैट इज योर सबऑर्डिनेटिंग क्लास। ये क्या है आपका प्रिंसिपल क्लास, मैं नहीं आऊंगा। आई विल नॉट कम टूडे, मैं आज नहीं आऊंगा। अब बिकॉज ये रीजन बता रहा है कि ही इज इल, वह बीमार है। ठीक है दोस्तों, बताइए चले, कोई समस्या कोई परेशानी आ तक भाई। क्या दिक्कत है भाई, अरे क्या समस्या हो गई भाई, ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं है। अरे वह आज नहीं आएगा, अब उसका कारण बताया क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वह बीमार है। कारण बताया कि नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये क्या है प्रिंसिपल क्लास, ये क्या है सबऑर्डिनेट क्लास, है ना। ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बताइए भाई, कोई परेशानी हो तो बताइए। चलिए देखिए, एज माई फादर हैज ग्रॉन ओल्ड, हैज माई फादर हैज ग्रॉन ओल्ड, ही कैन नॉट मच वर्क, या कैन नॉट वर्क हार्ड। अब ये सेंटेंस देखिए जरा, माई फादर हैज ग्रॉन ओल्ड, मेरे पिता क्या हो गए, बूढ़े हो गए। ही कैन नॉट वर्क हार्ड, वो कठिन कार्य नहीं कर सकते। अब चाहिए तो ये सेंटेंस को आप इस तरीके से लिख लीजिए, अगर अर्थ न समझ में आए तो इसको लिख लिए, ही कैन नॉट वर्क हार्ड, ठीक है, ही कैन नॉट वर्क हार्ड, वह कठिन परिश्रम या कठिन कार्य नहीं कर सकते। एज क्योंकि माई फादर हैज ग्रॉन ओल्ड, ठीक है भाई। अब ये ही कैन नॉट वर्क और वर्क अधिक परिश्रम नहीं करते क्योंकि वो क्या हो गए, बूढ़े हो गए, है ना। तो ये क्या है, अब ये काम नहीं कर सकते, वो रीजन बता दिया कि बूढ़े हो गए इसलिए काम नहीं कर सकते। तो दैट इज योर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सॉरी कह दीजिए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में कौन सा, कंजंक्शन ऑफ रीजन या कॉज, रीजन या कॉज, चीजें समझ में आ रही। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, जब ये आपको सबऑर्डिनेट कंजंक्शन शुरू में आए तो हमेशा वो क्या लगाते हैं, कॉमा की यूज करते हैं, ठीक है कॉमा की यूज करते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ पर भाई, चले चले कोई दिक्कत, आगे चलते हैं। एक सेंटेंस और दे दें, कहिए तो देखिए, दे देते हैं, यहां दे देता हूं, आई कॉन्ट गो आउट, मैं बाहर नहीं जा सकता because it is shining या raining, मैं बाहर नहीं जा सकता क्योंकि बरसात हो रही है, बारिश हो रही है। तो ये क्या है, बाहर न जाने का अब रीजन बताया इसने, क्यों नहीं जा रहा है, तो बताया कि क्या हो रही है, बारिश हो रही है, ठीक है। तो बारिश हो रही है इसलिए वो बाहर नहीं जा सका। तो ये क्या है, कंजंक्शन ऑफ रीजन, कंजंक्शन ऑफ कॉज, कारण बताया कि क्यों नहीं गया। तो इस तरीके से आपसे पूछा जाता है, चाहे वो टीजीटी बीजीटी हो, जल्टी में हो, ऐसे कंजंक्शन को आपको पूछेगा
कि ये आपको किस प्रकार के कंजंक्शन है, तो आपको दे देगा कंजंक्शन ऑफ रीजन, कंजंक्शन ऑफ टाइम, कंजंक्शन ऑफ पर्पस, कंजंक्शन ऑफ जो है प्लेस। ठीक है, तो आपको ध्यान देना होगा। और ये भी पूछ सकता है ये कंजंक्शन किसके थ्रू आते हैं, कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाते हैं या सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाते हैं या प्रिंसिपल, है कि नहीं। तो आपको हमेशा, ठीक है भाई, तो ध्यान रखिएगा इन सब चीज बातों को, लिख लीजिए इनको। तो आगे चलते हैं, ठीक चले आगे भाई। बोलिए, यहां तक बातें समझ में आई कुछ है? नहीं भाई, बातें कुछ समझ में आई यहां तक? न समझ में आई हो तो बताइए जी, समझ में आई ना? ठीक है, तो इन बातों को आप एक बार फिर से देखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि आपको हमारी ये क्लास 8:30 शाम को 8:30 बजे डेली लाइव होती है। बेसिक ग्रामर का सेशन चल रहा है दोस्तों, तो बिल्कुल आप लोग जुड़ते जाइए शाम को 8:30 बजे, है ना। तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें इन बेसिक बातों के बारे में बताया जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।